फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिर हैशटैग ऑफिशियल 0109 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूँ न्यू डिश के साथ जिसका नाम है पाव भाजी। यस, बॉम्बे पाव भाजी है ना, डिलीशियस। चलिए, बॉम्बे पाव भाजी इन माय स्टाइल बनाने के कुछ तरीके देख लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फास्ट फास्ट एंड लाइक शेयर। वीडियो अच्छी लगे तो ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करिए एंड वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो वन बाय वन आपको प्रोसेस समझ में आएगा कि इन माई स्टाइल कैसे आप पाव भाजी बना सकते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजीज ले लिए हैं। आपको जो वेजीज पसंद हो आप वो वेजीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले रखा है पोटैटोज़। यहाँ पे मैंने 7 to 8 पोटैटोज़ लिए हैं। 2 टमाटो मैंने इधर ऐड किए हुए हैं। अभी बाकी मैं अपनी जब भाजी बनाऊंगी तो मैं उसमें चॉपिंग करे हुए टोमेटोज को ऐड करूंगी। यहाँ मैंने कैरेट ले लिए, कैरेट मैंने यहाँ पे 4 to 5 कैरेट ऐड करी है। यहाँ पे मैंने चुकंदर ले लिया है, चुकंदर को भी मैंने हाफ कट करके पीसेस में इसमें ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 4 वेजीज को यहाँ पे ऐड किया है। इसमें हल्का सा सॉल्ट डालकर, वाटर डालकर मैं इसको बॉईल होने के लिए रखूँगी। अच्छे से बॉईल हो जाएगा फिर इनको मैश करूँगी। मैश करने के बाद का मैं प्रोसेस दिखाती हूँ। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा देती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैं अभी यूज़ करूँगी इसमें। यहाँ पे मैंने चॉपिंग अनियन ले लिया है जो हमारी भाजी बनने में काम आएगा। यहाँ पे मैंने चॉपिंग, यहाँ पे 2 टोमेटो मैंने चॉप करके ले लिए हैं। हेयर इज़ माई पाउस, बॉम्बे पाउस है हमारे यहाँ पे। हेयर इज़ बटर, अमूल का बटर मैंने लिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिश। विदाउट बटर पाव भाजी कुछ नहीं है आपकी। यहाँ पे मैंने सॉल्ट ले लिया है, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे। यहाँ पे मैंने 1.5 स्पून सॉल्ट लिया हुआ है जो मेरा आ भी जाएगा थोड़ा सा, और बाकी भाजी में ऐड करूँगी। हेयर इज़ रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर मैंने थोड़ा सा कलर के लिए लिया हुआ है और स्पाइसी कम होती है इसलिए मैंने थोड़ा सा ही ले रखा है इसको। यहाँ पे मैंने ले रखा है ग्रीन कोरिएंडर, थोड़ा सा ऐड करेंगे बिकॉज मैं इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड करूँगी। तो पाव भाजी मसाले में ऑलरेडी सारे स्पाइसेस होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस की नीड यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ मैंने पाव भाजी मसाला ले लिया है, मैंने ये 50 ग्राम्स के मसाले का पैक ले रखा है। ठीक है, ये 50 ग्राम्स का है। आई होप कि मैं इसमें 50 ग्राम्स थोड़ा कम ही यूज़ करूँगी, देखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी वेजीज को हमें बॉईल करने के प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम वेजीज को अपने कुकर में डाल देंगे। सारी वेजीज हमारी कुकर में जाएंगी एंड इनको मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। देखिए, मैंने वेजीज डाली, अब इसमें हल्का सा हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करके वाटर ऐड करेंगे। 1 ग्लास वाटर मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा वाटर की और नीड है तो मैं थोड़ा सा वाटर और ऐड करूँगी। या मैंने वाटर डाल के अब मैं इसको अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दूँगी। वेजीज आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। आप इसमें मटर डाल सकते हो, गोभी डाल सकते हो, जो शिमला मिर्च ऐड कर सकते हो, जो आपको पसंद हो। मेरे यहाँ ज़्यादा वेजीज नहीं पसंद करते हैं सब लोग, इसलिए मैंने लिमिटेड डाली है। और चुकंदर अभी आपका ऑप्शनल है अगर आप कलर के लिए, और चुकंदर वैसे भी हेल्दी होता है। चुकंदर, कैरेट इज़ वेरी हेल्दी, सो आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज जो आपको अच्छी लगे वेजेस वो आप ऐड करके पाव भाजी रेडी कर सकते हैं। चलिए, मैं इसमें ढक्कन लगा के वेसल्स लगवा लेती हूँ। एटलीस्ट 4-5 वेसल्स मैं लूँगी और देन मैं इसको आपको दिखाती हूँ। हमारी वेजेस रेडी हैं कि नहीं, बॉइल हो गई हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से हो गई हैं। मैंने इनको एक बार चला लिया था। ये देखिए, अब इनको इसी टाइम पर हमें मैश करना है। मैश कर लेंगे पूरा। मैश करने के बाद हम इसकी भाजी रेडी करेंगे। ये देखिए, ईच एंड एवरी वेजीज आर फुली कुक्ड और अच्छे से मैश हो रहा है। ठीक है, इस तरह से मैश करके इसकी भाजी रेडी करेंगे। ओके, देखिए अभी देखिए हमारी बिल्कुल भाजी मैश है। थोड़ी बहुत जो रह गई है उसको मैं प्रॉपर जब बनाना शुरू करूंगी तो उस टाइम पर मैश कर दूंगी मैशर से। ठीक है, चलिए बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। भाजी के चॉप टोमेटोज लिए हुए हैं। मैं जो मेरे तरीका था उसमें आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या न्यू ऐड किया है। मैं इस टोमेटोज को फाइनली ग्राइंड कर लेती हूँ जिससे हमारी भाजी का जो टेक्सचर है और भाजी जो है हमारी देखने में बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको इसको ग्राइंड करके फिर भाजी में जब ऐड करूंगी मैं आपको दिखाती हूँ, आप खुद देखोगे कि कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। भाजी बनाने के प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे
ऑयल ऐड कर लेंगे। अनियन ऐड कर देंगे, चॉप अनियन है पूरा ये। चलिए अनियन को ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई करना है। ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हम। ठीक है, अनियन हमारा रेडी है बिल्कुल। अब इसी टाइम पर हमने भी टमाटर पूरी बनाई थी, उसको हम ऐड कर देंगे। पूरी का कलर देख रहे हैं कितना अच्छा है, आप देखने से भाजी का टेक्सचर कितना अच्छा रहेगा। अब इसी में हल्का फ्लेम करके मैं हल्का सा सॉल्ट ऐड करके मैं अनियंस को अच्छे से पकने दूंगी। हल्का सा इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, मैं इनको लो फ्लेम पे करके मैं इनको पका लूँगी अच्छे से, ताकि देखिए टमाटर को हम इसलिए पका लेंगे ताकि टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी मैंने उसमें कुछ टमाटर का कच्चापन ना आए। देखिए मैं पका लूँगी। अब इसी टाइम पर मैं इसमें पिसा हुआ कोरिएंडर मिक्स कर दूँगी एंड एड ऑन पाव भाजी मसाला। अभी मैं इतने ही मिक्स करूँगी, इसको मैं अच्छे से चला दूँगी। मैं इसको अभी इसलिए डाल रही हूँ ताकि मसाला अच्छे से पक जाए, और हल्का सा वाटर ऐड कर दूँगी मैं। ठीक है, पानी ऐड करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि और अच्छे से टमाटर और जो प्याज है वो और अच्छे से पक जाए, और मसाले का फ्लेवर जो है वो भी थोड़ा सा भुन जाए और अच्छे से हमारी भाजी में भी आए। इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इस टाइम पर अपनी भाजी का जो मिक्सचर है मैश किया हुआ उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए इसको ऐड कर देंगे पूरा। देखिए मैंने मिक्सचर को डाल दिया है, फ्लेम हमारा थोड़ा सा स्लो से तेज रखेंगे। अब इसी टाइम पर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऊपर से, और वाटर अब हम ऐड करेंगे जितनी हम थिकनेस की भाजी चाहते हैं। ठीक है, इस टाइम पर हम इनको पहले मिक्स कर लेंगे देन वाटर ऐड करेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा कलर आ रहा है मेरी ग्रेवी का, देख रहे हैं आप। अब इसी टाइम पे हम लेमन को स्क्यूज कर देंगे, लेमन का जूस हमें डालना है, जितनी खटास आप चाहते हो उस हिसाब से आप ऐड करिएगा। ठीक है, ग्रेवी मेरी रेडी है। इस टाइम पर हम इसमें बटर ऐड कर देंगे क्योंकि बटर तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी भाजी के लिए। ठीक है, इस टाइम पर हम बटर इसमें ऐड कर देंगे। बटर ऐड करने के बाद हम इसको एक बार स्मूथ चला देंगे ताकि पूरा फ्लेवर बटर का पूरी भाजी में एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए इस टाइम हम हल्का धनिया का पत्ता डाल देंगे। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए। चलिए मैं इसको बाउल में सर्व करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए माय भाजी आर रेडी, सो डिलीशियस। कितनी बढ़िया और कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, देख रहे हैं आप। भाजी बिल्कुल रेडी है। अब इनको मैं गर्मा गर्म पाव के साथ सर्व करके आपको फाइनल प्लेटिंग दिखाऊंगी, दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए, लग रही है ना बिल्कुल मज़ेदार। चलिए पाव रेडी करते हैं देन आपको फाइनल डिश की दिखाते हैं। यहाँ पे हम पाव मसाला बना लेंगे। पाव मसाला बनाने के लिए मैंने ऑयल रख दिया है। ऑयल में हम डालेंगे पाव भाजी मसाला, इसमें मसाला ऐड कर देंगे। मसाले के साथ साथ हम रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। कश्मीरी पाउडर मैंने ऐड किया है और रेड चिली थोड़ा सा मिक्स करके। अब इससे देखिए कलर अच्छा आ जाएगा। हम इसमें हल्का सा और ऑयल ऐड करेंगे। अब ये हमारा पाव मसाला रेडी है। इसी में हम थोड़ा सा भाजी डाल लेंगे अपनी,
और इसको मैं अपने फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखिए हल्का सा इसमें भाजी ऐड कर देंगे। ये भाजी मसाला मेरा रेडी है। अब इसको मैं पाव में लगा लगा के आपको सेक के दिखाऊंगी। हल्की सी इसमें पाव हमने ऐड करी है। पाव में मैंने मसाला ऐड कर दिया है और पाव को मैं अब से सेक लूंगी। अच्छा सेकना है, ऑयल ग्रीस करना है, पलट पलट के हमें अच्छे से पाव को सेक लेना है। ऐसे करके चारों तरफ से सेक लेंगे। अंदर से जो मैंने फिलिंग डाली थी उसको भी एक बार पलट के सेक लेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह आई है प्लेटिंग हमारी। ये देखिए परफेक्ट भाजी एंड दिस इज पाव, मसाला पाव फिलिंग है ये हमारी। ये देखिए कुछ इस तरह आया है टेक्सचर हमारी पाव भाजी का, देख रहे हैं आप, वेरी डिलीशियस एंड बहुत ही अच्छी डिश है ये, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। है तो ये बॉम्बे की बट अब हमारे लखनऊ एंड ऑल सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश हो गई है। बहुत ही अच्छी ये डिश है। अगर आपको मेरी डिश अच्छी लगी हो, मेरी डिश बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरा पाव भाजी का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ऑल्सो। Thank you for watching my video. Bye bye family. Love you.